बीस बीघा तालाब लिखा है, भू माफिया मुकदमा हमारे नाम होता है, 20 बीघा तालाब और रोका रखे हैं, कार्रवाई होगी, आप समय से मुकदमा लिखाओ, इनको करवाओ, कार्रवाई होगी। हम लोग आए इसीलिए, पूरी टीम आई इसीलिए। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, कुछ जांच हो रही है? वो गायत्री के आदमी थे, उनके आदमी थे, भाजपा चले गए, इसका मतलब थोड़ा ना कि वो नेता हो गए हैं, पूरा करेंगे। कैमरा लगाना, आप उसको निकलवा के देखिए कितनी बार दिन में जाती है, रात में 8 बजे तक जाती है, और लड़की लेके जाता है, पुलिस वालों को देता है, क्या मतलब है इसका? पुलिस सपोर्ट कर रही है, सही बोला था, कहा सही, लड़की लेके जाता पुलिस करता है। सुनो, ये तो अलग बात, अब हमारा बाप मर गया, अब आप लोग समझा रहे हैं हमें, अरे बेटा वो क्या करेंगे, समझा, यही तो काम है हमारा, समझाए आप, लेकिन हमारा काम, सुन लो आप, ये मतलब मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मैं यहाँ अमेठी में रहा हूँ, जो लोग यहाँ जानते हो पूछ लो, आप सुन लो, आप हम लोग इसमें, हाँ हम, मैं ही अमेठी में रहा हूँ, सुन लो, इस समय मैं जगदीशपुर में, सुन लो, इस समय मैं जगदीशपुर में हूँ, ये आप अमेठी में, ये आप गौरीगंज में, सब लोग, हम लोग इसलिए कप्तान साहब ने लगाया है, जो मतलब समय जितनी से जल्दी जल्दी घटना का अनावरण होगा हम लोग करवाएंगे। 48 घंटे के अंदर अमेठी में हुई 3 हत्या, पुलिसिंग हुई फेल। जी हाँ, खबर यूपी के अमेठी से है, जहाँ हत्या जैसा संगीन अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस की सुस्ती के बाद भी हत्यारों को हत्या करने में जरा भी हिचक नहीं हो रही है, हौसला बुलंद है हत्यारों का। अमेठी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 48 घंटा के अंदर 3 हत्याओं को अंजाम देकर आगे और पुलिस पीछे पीछे चल रही है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे बुलई मजरे गांव में 40 वर्षीय ब्रजेश सिंह रात को किसी काम से घर से बाहर गए तो लौट कर नहीं आए। सुबह सौंच को निकले ग्रामीणों की नहर की पटरी पर ब्रजेश के रक्त रंजित शव को औंधे मुंह पड़ा देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी घटना स्थल पहुंचे और मामले का शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन दिया। फिर भी परिजन हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को उठाने को तैयार नहीं हो रहे थे। जांच पड़ताल में एसपी अमेठी को बीट दरोगा महेंद्र सचान की लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बताया जाता है कि ब्रजेश सिंह भाजपा बूथ कमेटी के सदस्य रहे हैं, इस बार होने वाले पंचायती चुनाव में प्रधान पद के लिए दावेदारी भी ठोक रहे थे। परिवारजनों ने 4 नामजद व 4 अज्ञात के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। एसपी अमेठी दिनेश सिंह ने मीडिया को बताया कि मृतक के भाई कमलेश सिंह ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया। टीम गठित कर जल्द ही गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। बीट दरोगा को निलंबित किया गया है। जाँच में यदि कोई दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाएंगे। ब्रजेश सिंह के द्वारा स्टे ही लिया गया है, न्यायालय इनको स्टे दी है, उसके बाद भी प्रशासन इनकी मदद में लगी हुई है। अभी अभी आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया किन के लिए? हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है, एफआईआर दर्ज हो, हम एफआईआर इनके एप्लीकेशन दिए हैं, इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ लल्लू सिंह, शिवांग सिंह उर्फ शिवा सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह और कौशलेन सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह। अभी पुलिस क्या कर रही है? और उसमें अज्ञात भी 4 लोगों का है। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आश्वासन दे रही है, खाली आश्वासन देते चली आ रही है, अभी तक आश्वासन ही दिया है। इसके पहले अभी हमने एसपी साहब को फ़ोन किया, एसपी साहब थाने पे आके बैठे हैं, अभी मौके पे नहीं गए हैं, और डीएम साहब बता रहे हैं लोग कि वो मीटिंग कर रहे हैं, अभी वो भी नहीं आए। घटना 4-4 घंटा हो गया है, 5 घंटा, अभी तक कोई प्रशासन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी मांग है कि पहले तो मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, सबसे पहले मुलजिम गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद उनके पास 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा उनको दी जाए, और उनका पालन पोषण तभी तो हो पाएगा। वो तो अभी अब मर ही गए हैं, उनके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? भाई किसी का होता नहीं है, भाई थोड़ी करेगा। तो क्या नाम है आपका, जो मृतक हैं आप उनके कौन? ओ, मेरे छोटे भाई हैं, मेरा नाम प्रताप सिंह है, कमलेश सिंह। क्या घटना हुई? घटना उनको गोली मारी गई। क्या कोई पहले से विवाद था? क्या पहले से कोई विवाद, जमीनी विवाद था थोड़ा, उसी को लेकर के आए दिन वो धमकी देते थे, समझौता कर लो नहीं मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। वो कौन लोग थे? कैसे घटना घटी है, कब निकले थे घर से? वो कल शाम को लगभग 7 बजे निकले हैं, 7:30 के आसपास। जी, कहाँ निकले थे? गांव के ही लिए निकले थे, वहीं पतोकपुरवा गांव के लिए। जी, वो प्रधान, कहाँ गोली मारी गई? अब हम लोगों की क्या पता कहाँ मारी गई, क्या पता, खेत बारी है। हाँ, उधर थोड़ा सा खेत है,
जी। तो कैसे आपको पता चला? हमको सुबह हमारे प्रधान जी बताए कि आपके भाई ब्रजेश को गोली मार दी गई है, नहर के पास में है। तो मैं कालिकन मंदिर पर दर्शन कर रहा था, दर्शन करने के बाद फिर मैं गया। अभी आप डेड बॉडी नहीं उठाने दे रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम इसमें डेड बॉडी नहीं उठाने देना चाह रहे हैं। उनके दो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनको कम से कम आर्थिक सहायता दी जाए, 40-50 लाख रुपए उनको दिया जाए, उनके एक लड़के को नौकरी दिया जाए, उनका भरण पोषण कौन करेगा? वो कौन लोग थे जिन लोगों ने हत्या की है? उस हत्या में हमारे जो प्रतिद्वंदी है शिवांशु विक्रम सिंह, इंद्र प्रकाश सिंह, लल्लू सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, ज्ञान सिंह, कौशलेंद्र सिंह आदि लोग उस जमीन को बैनामा लिखाए, आदि लोग ही ये मर्डर करे। इसके पहले भी वो लोग धमकी देते थे? बराबर धमकियां दिया करते थे। मैं कई बार एप्लीकेशन भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। पैसा दो तो सुनवाई होगी, पैसा नहीं है तो काम नहीं है। आपने थाने में तहरीर दी? थाने में अभी तहरीर हमने नहीं दिया है। नहीं, इसके पहले जब मैंने तहरीर दिया था 5 मई को, जब उसको जमीन को जोतने गए थे, मेरे खिलाफ़ फर्जी मुकदमा लिख दिया गया, उन लोगों के खिलाफ नहीं लिखा गया। महेंद्र सचान जी थे, तब उन्होंने कहा एक लड़के का नाम निकाल देंगे, पैसा दे दो। मैंने कहा पैसा मेरे पास है नहीं, मैं पैसा दे पाऊँगा। मैंने कई बार ऑनलाइन भी किया DM को, कप्तान को, मुख्यमंत्री योगी जी को भी, कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिससे मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार वालों को खतरा है, कभी भी मेरे परिवार को गोली मार सकता है। लेकिन कोई न्याय नहीं हुआ। जो भी जहाँ आती एप्लीकेशन वो वापस सीधे फाइन। सचान जी एक SI हैं, दरोगा जी हैं। नहीं तो जब आप इन सब चीज़ों की शिकायत करते थे कि हमको धमकी मिल रही जान से मारने की, तो पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एप्लीकेशन देते थे, एप्लीकेशन चाट जाती थी, खा जाती थी अपना, क्योंकि वो आता था यहीं, दलाली करता था। एक अरुण पांडे सिपाही था, उसके खिलाफ भी मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया। वो उसके साथ बराबर दारू पीता, घूमता, रंगरलियाँ मनाता था। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमें चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, सारे मुलजिम पकड़े जाएँ, और जो उसकी गैस एजेंसी है, जो उसका तालाब पे घर बना हुआ है, और जो फर्जी तरीके से ठेका चला रहा है, शराब का व्यवसाय करता है, 2 नंबर की दारू बेचता है, ये सब उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो, उसके सारे लाइसेंस निरस्त किए जाएं। इससे पहले भी उसके 2 लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, राइफल और उसके रिवाल्वर के ही 420 में ही। क्या नाम है आपका, जो मृतक हैं आप उनके कौन? वो मेरे छोटे भाई हैं। मेरा नाम प्रताप सिंह है, कमलेश सिंह। क्या घटना हुई? उनको गोली मारी गई। क्या कोई पहले से विवाद था? क्या पहले से कोई विवाद, जमीनी विवाद था थोड़ा, उसी को लेकर के आए दिन वो धमकी देते थे, समझौता कर लो नहीं मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। वो कौन लोग थे? कैसे घटना घटी है? कब निकले थे घर से? वो कल शाम को लगभग 7 बजे निकले हैं, 7:30 के आसपास। जी कहाँ निकले थे? गाँव के ही लिए निकले थे, वही पतोकपुरवा गाँव के लिए। जी वो प्रधान, तो कहां गोली मारी गई? कैसे? अब हम लोगों की क्या पता कहां मारी गई, क्या पता गुरुम खेत बारी है आपके खेत? हाँ, उधर थोड़ा सा खेत है। जी तो कैसे आपको पता चला? हमको सुबह हमारे प्रधान जी बताए कि आपके भाई ब्रजेश को गोली मार दी गई है, नहर के पास में है। तो मैं कालिकन मंदिर पर दर्शन कर रहा था, दर्शन करने के बाद फिर मैं गया। अभी आप डेड बॉडी नहीं उठाने दे रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम इसमें डेड बॉडी नहीं उठाने देना चाह रहे हैं। उनके दो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनको कम से कम आर्थिक सहायता दी जाए, 40-50 लाख रुपए उनको दिया जाए, उनके एक लड़के को नौकरी दिया जाए, उनका भरण पोषण कौन करेगा? वो कौन लोग थे जिन लोगों ने हत्या की है? उस हत्या में हमारे जो प्रतिद्वंदी है शिवांशु विक्रम सिंह, इंद्र प्रकाश सिंह, लल्लू सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, ज्ञान सिंह, कौशलेंद्र सिंह आदि लोग उस जमीन को बैनामा लिखाए, आदि लोग ही ये मर्डर करे। इसके पहले भी वो लोग धमकी देते थे? बराबर धमकियां दिया करते थे। मैं कई बार एप्लीकेशन भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। पैसा दो तो सुनवाई होगी, पैसा नहीं है तो काम नहीं है। आपने थाने में तहरीर दी? थाने में अभी तहरीर हमने नहीं दिया है। नहीं, इसके पहले जब मैंने तहरीर दिया था 5 मई को, जब उसको जमीन को जोतने गए थे, मेरे खिलाफ़ फर्जी मुकदमा लिख दिया गया, उन लोगों के खिलाफ नहीं लिखा गया। महेंद्र सचान जी थे, तब उन्होंने कहा एक लड़के का नाम निकाल देंगे, पैसा दे दो। मैंने कहा पैसा मेरे पास है नहीं, मैं पैसा दे पाऊँगा। मैंने कई बार ऑनलाइन भी किया DM को, कप्तान को, मुख्यमंत्री योगी जी को भी, कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिससे मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार वालों को खतरा है, कभी भी मेरे परिवार को गोली मार सकता है। लेकिन कोई न्याय नहीं हुआ। जो भी जहां आती एप्लीकेशन वो वापस सीधे फाइन। सचान जी एक SI हैं, दरोगा जी हैं। नहीं तो जब आप इन सब चीज़ों की शिकायत करते थे कि हमको धमकी मिल रही जान से मारने की, तो पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एप्लीकेशन देते थे, एप्लीकेशन चाट जाती थी, खा जाती थी अपना, क्योंकि वो आता था यहीं, दलाली करता था। एक अरुण पांडे सिपाही था, उसके खिलाफ़ भी मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया। वो उसके साथ बराबर दारू पीता, घूमता,
रंगरलिया मनाता था। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमें चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, सारे मुलजिम पकड़े जाएं और जो उसकी गैस एजेंसी है, जो उसका तालाब पे घर बना हुआ है और जो फर्जी तरीके से ठेका चला रहा है, शराब का व्यवसाय करता है, दो नंबर की दारू बेचता है, ये सब उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो, उसके सारे लाइसेंस निरस्त किए जाएँ। इससे पहले भी उसके दो लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, राइफल और उसके रिवॉल्वर के ही 420 में ही। क्या घटना घटी है? क्या घटना ये घटी है कि हम भुलेखपुरवा के ब्रजेश सिंह हैं, इनके विपक्षी इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ लल्लू सिंह, उनके बेटे शिवा सिंह और शिवांग सिंह उर्फ शिवा सिंह, चंद प्रकाश सिंह, ये सब सगे हैं, एक घर परिवार के ही हैं। सुबह ही सूचना मिलने पर हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ के लोगों के द्वारा ये जानकारी हुई कि इनकी घटना इनके विपक्षियों द्वारा की गई है, गोली मार दी गई है, दो गोली एक सर पे लगी है, एक गोली इनके पीठ पे लगी हुई है। क्या कारण है? इनके कारण तो कई हैं, शुरू से ये लोग विपक्षी मतलब बराबर इनको घेरते चले आ रहे थे। इनकी चाची की ज़मीन थी, उस चाची की ज़मीन को इन लोगों ने लिखवा लिया है ज़बरदस्ती, और उस पर जब मना किया गया तो इनको ये कहे कि तुमको गोली मार देंगे, और आज वही सामने आ गया कि इन लोगों ने इनको गोली मार दी। वो कौन लोग थे? गांव के रहने वाले हैं? गांव के बगल के ही रहने वाले हैं, भौसिनपुर में उनका निवास है, लेकिन वो अभी हमारे संग्रामपुर में अपना एक कमरा बना के व्यक्तिगत अपना नाम चढ़वा लिए हैं खाली, वो दूसरे गाँव से आके, और उसी वजह से वो गए वहाँ पर ज़मीन लिखवा के इनको गोली मारने की धमकी दी, और वही आज सामने आया कि उन्होंने गोली मार ही दी। पहले भी इन लोगों का कोई विवाद था? पहले से ही विवाद था, पहले से ही इन लोगों का थोड़ा बहुत विवाद था, लेकिन जब से ये जमीनी विवाद चला ये ज़्यादा ही तूल पकड़ लिया था। क्या ये मामला कोर्ट में चल रहा है जमीन का? ये मामला दीवानी में इनके ब्रजेश सिंह के द्वारा स्टे ही लिया गया है, न्यायालय इनको स्टे दी है, उसके बाद भी प्रशासन इनकी मदद में लगी हुई है। अभी आप लोगों ने FIR दर्ज कराया? हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है, FIR दर्ज हो, हम FIR इनके एप्लीकेशन दिए हैं, इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ लल्लू सिंह, शिवांग सिंह उर्फ शिवा सिंह, चंद प्रकाश सिंह और कौशलेन सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह। अभी पुलिस क्या कर रही है? और उसमें अज्ञात भी चार लोगों का है। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आश्वासन दे रही है, खाली आश्वासन देते चली आ रही है, अभी तक आश्वासन ही दिया है। इसके पहले अभी हमने SP साहब को फ़ोन किया, SP साहब थाने पे आके बैठे हैं, अभी मौके पे नहीं गए हैं, और DM साहब बता रहे हैं लोग कि वो मीटिंग कर रहे हैं, अभी वो भी नहीं आए। घटना चार चार घंटा हो गया है, पाँच घंटा, अभी तक कोई प्रशासन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी मांग है कि पहले तो मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, सबसे पहले मुलजिम गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद उनके पास दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा उनको दी जाए, और उनका पालन पोषण तभी तो हो पाएगा, वो तो अभी अब मर ही गए हैं, उनके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? भाई किसी का होता नहीं है, भाई थोड़ी करेगा, तो उनके पालन पोषण के लिए बच्चे को एक नौकरी दी जाए, कम से कम बच्चे के लिए कोई व्यवस्था दी जाए कि चुनाव भी नज़दीक है, क्या प्रधानी चुनाव से जोड़ कर इस मामले को देखा जा रहा है? क्या चुनाव एकदम नज़दीक है, पिछले भी चुनाव के पहले इन्होंने गोली मारी थी पंकज सिंह को, 307 के मुलजिम थे, जिसमें प्रशासन ये कह रहे थे कि गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, और लास्ट में ये हुआ कि उसका फाइनल रिपोर्ट लग गई, गिरफ्तार तो जाने दीजिए, फाइनल रिपोर्ट लग गई। चुनाव में लड़ने वाले थे क्या? कौन? जो मृतक है, मृतक चुनाव मतलब कह रहे थे, वैसे कोई लड़ने की कोई उनको ये नहीं था, हाँ बस वैसे थी, और जमीनी रंजिश की वजह से लोग कहते थे कि लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ने कोई ऐसी बात नहीं थी, खाली जमीनी रंजिश की वजह से उनको मार दिया गया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पूरे भुलई निवासी ब्रजेश सिंह का शव आज सवेरे नहर की पटरी पर प्राप्त हुआ। जानकारी ये हुई कि कल ये शाम को अपने खेत को इनकी निगरानी करने के लिए निकले थे और उसके मोबाइल घर पर छोड़ गए थे, सवेरे उनका शव प्राप्त हुआ, जिस पर कि उनके भाई कमलेश ने नामजद तहरीर इंद्र प्रकाश इत्यादि के विरुद्ध दी है। इनका इनसे ज़मीनी विवाद है और पूर्व में भी इनके आप एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। इन्होंने चार लोग के खिलाफ नामजद FIR कराई है, जिसमें कि टीमें गठित करके रवाना कर दिया गया है साक्ष्य संकलन के लिए और गिरफ्तारी के लिए। यथाशीघ्र अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके
कार्रवाई की जाएगी। हत्या का मोटिव क्या था इसके पीछे? अभी तक तो जो इन्होंने तहरीर दी है उसके आधार पर ये जमीनी रंजिश का मामला बता रहे हैं कि इनके उनसे जमीनी विवाद था। हल्का दरोगा के ऊपर भी ये लोग दिए हैं, उसका उस पर क्या कार्रवाई हुई? हल्का दरोगा को मैंने फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया है और यदि उनका दोष पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पूरा प्रकरण है ये मामला। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पूरे भुलई निवासी ब्रजेश सिंह का शव आज सवेरे नहर की पटरी पर प्राप्त हुआ। जानकारी ये हुई कि कल ये शाम को अपने खेत को उनकी निगरानी करने के लिए निकले थे और उसके मोबाइल घर पर छोड़ गए थे। सवेरे उनका शव प्राप्त हुआ जिस पर कि उनके भाई कमलेश ने नामजद तहरीर इंद्र प्रकाश इत्यादि के विरुद्ध दी है। इनका इनसे जमीनी विवाद है और पूर्व में भी इनके एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। इन्होंने चार लोगों के खिलाफ नामजद FIR कराई है जिसमें कि टीमें गठित करके रवाना कर दिया गया है साक्ष्य संकलन के लिए और गिरफ्तारी के लिए। यथाशीघ्र अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। हत्या का मोटिव क्या था इसके पीछे? अभी तक तो जो इन्होंने तहरीर दी है उसके आधार पर ये जमीनी रंजिश का मामला बता रहे हैं कि इनके उनसे जमीनी विवाद था। हल्का दरोगा के ऊपर भी ये लोग दिए हैं, उसका उस पर क्या कार्रवाई हुई? हल्का दरोगा को मैंने फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया है और यदि उनका दोष पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।